तो कल क्या हुआ ना, मम्मी मुझे अब बुलाकर कहती कि सलोनी गर्मियां तो काफी ज्यादा हो रही है, क्यों ना तू कुछ समर ड्रिंक बना। तो मैंने भी सोचा कि हाँ गर्मी तो काफी ज्यादा हो रही है और आप लोग को भी गर्मी लगी रही हो रही होगी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना 15 डेज के लिए हम समर ड्रिंक चैलेंज करेंगे। और ये हमारे चैलेंज का डे 1 होने वाला है और आज हम बनाने वाले हैं वाटरमेलन मॉकटेल। और ऐसी 15 डेज के लिए मैं समर ड्रिंक बनाऊंगी जो कि आप इस गर्मी में आपको तरोताजा कर देगी। और कमेंट करके बता देना कि मैं और कौन कौन सी रेसिपी ट्राई करूं। वैसे ये भी बता दो कि आपको वाटरमेलन अच्छी लगती है या फिर नहीं, क्योंकि मुझे तो काफी ज्यादा अच्छी लगती है। और कमेंट करना रेड हार्ट। गर्मियां इतनी ज्यादा हो रही है कि मैंने सोचा क्यों ना घर पे मैंगो कोकोनट पंच बनाते हैं, इसलिए मैंने ना पापा से मंगवा लिया था ये कोकोनट, और इसने 50 रुपए का था और बहुत कम पानी इसमें से निकला और वो भी मैंने वो गिरा दिया। मतलब मेरे से उम्मीद ही क्या रखी जा सकती है, इतनी सी पानी थी मैंने उसी को डाल दिया। उसके बाद मैंने बहुत मुश्किल से चाकू से खुरेद खुरेद की इसकी मलाई निकाली और मैंने ना नॉर्मल वाटर डाल दिया। मतलब पीने वाले को क्या ही पता चलेगा कि इसमें कोकोनट वाटर था या फिर वाटर था, इसलिए मैंने डाल दिया क्योंकि मैंने तो कोकोनट वाटर गिरा ही दिया था। फिर मैंने उसमें मलाई डाली, चीनी डाली और ये मैंगो डाला जो कि एक आम 30 रुपए की थी। मतलब लूट मची हुई है मार्केट में, इतनी महंगी सब कुछ क्यों मिल रही है। खैर मैंने मिक्सी में सब कुछ को घुमा डाला और ये ना बहुत ज्यादा थिक सी बनी थी। और इस बार ना मैंने नारियल के नीचे कटोरी रख दी कि फिर से ना ये लुढ़क जाए, और मैंने उसको मैंगो से डेकोरेट कर दिया और ये दिखने में बहुत सुंदर लग रहा, पीने भी अच्छा था। मैं यहाँ पे तो आंख मार मार के पी रही हूँ, लेकिन मम्मी को पता चलेगा कि मैंने नारियल पानी गिरा दिया तो मुझे 4 चप्पल दे देगी। ये टी शर्ट मेरे भाई की है, मतलब मैं जितने भी कपड़े पहनती हूँ उसमें से 90% कपड़े तो मेरे भाई की होती है। अब हम छोटे भाई बहन है, हमें बड़े भाई बहन के कपड़े पहनने ही पड़ते, तो मैं क्या करती हूँ चुरा कर ही पहन लेती हूँ। अब मैंने इसे पहन तो लिया लेकिन मैंने इसे गंदा भी कर दिया। अब ये ना सुनने को मिल जाए कि तूने पहना तो और उसमें दाग भी लगा दिया, इसलिए साफ करना तो जरूरी है। भैया से ज्यादा तो ये टी शर्ट मेरे पे अच्छा लग रहा है, क्या करूँ ले लूँ? नहीं यार मजाक कर रही हूँ। देखो हमारे पास तो कोई ऐसा है नहीं जिसकी हम हुडी चुरा कर पहने, तो हम अपने भाई बहन के ही कपड़े चुरा कर पहन लेते हैं। मेरा भाई भी परेशान रहता है कि तू तो मेरे कपड़े चुरा कर पहन लेती है लेकिन मैं तेरे कपड़े चुरा कर नहीं पहन सकता, अब मेरा भाई मेरे कपड़े में कैसा लगेगा। हमारे पड़ोस में एक जोया नाम की आंटी रहती है जो कि मुस्लिम है और मम्मी की फ्रेंड भी है। तो कुछ दिन पहले ईद था तो उन्होंने मम्मी को बुलाया था ईद के दिन शाम को, तो मम्मी ने वहाँ पे कई सारी ऐसे ऐसे डिशेस ट्राई किए थे जो कि कभी नहीं ट्राई किया होगा, और उसमें से एक मोहब्बत का शरबत भी था। तो मम्मी मुझे आकर घर पे कहती है कि मोहब्बत का शरबत क्या होता है, हमने तो सिर्फ नफरत का शरबत पिया है। मैंने मम्मी से कहा कि चलो मैं भी एक बार ट्राई करती हूँ, और जब हमने बनाया तो ये उतना अच्छा लग ही नहीं रहा था। क्या आपने भूत देखा है? देखा तो मैंने भी नहीं है लेकिन सुना जरूर है। तो मेरी मौसी बताया करती है कि उन्होंने भूत देखा है। मौसी जब 10th क्लास में पढ़ती थी तो वो गई हुई थी अपने नानी घर, तो वैसे ही एक दिन रात को 2-3 बजे तक वो पढ़ रही थी बेड पे लेट के, अचानक से किसी की खटखटाने की आवाज आती है। बहुत देर तक आती है लेकिन किसी ने खोला नहीं और मौसी बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी अचानक से वो गेट खुल जाता है। मौसी क्या देखती है कि कोई भी भूत जो कि एकदम चमक रहा है, उससे एक रोशनी जैसी आ रही है, और वो कोई लेडीज भूत नहीं थी, वो एक कोई जेंट्स भूत था। लेकिन अचानक से वो भूत गायब हो जाता है और तभी मौसी सबको उठाती है कि मैंने कुछ ऐसा देखा। तभी सारे घर वाले ढूंढने लगते हैं कौन था वो, लेकिन किसी को भी कुछ नहीं मिलता है। अब पता नहीं वो भूत था या फिर। गर्मियाँ इतनी ज्यादा हो रही है कि मम्मी ने मुझसे कहा कि तू जाकर बाहर से गन्ने का जूस ले आ। तो मैंने मम्मी से कहा कि अगर इतनी धूप में मैं गन्ने का जूस लाने गई तो मैं गन्ने जैसे खुद सूख जाऊंगी। तो मैंने मम्मी से कहा क्यों ना गन्ने का जूस घर पे ही बना लिया जाए। तो फिर मम्मी कह रही इतनी मेहनत कौन करेगा। तो मैंने कहा कि इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि बिना गन्ने की गन्ने का जूस बनाया जा सकता है। सोच रहे हो गए ये कैसे? तो मम्मी भी यही सोच रही थी कि ये कैसे बन सकता है। तो मैंने मम्मी को बताया कि मिक्सी का जार लेना, उसमें गुड़ डालना है, थोड़ी सी पुदीने के पत्ते डालने हैं, थोड़ा सा लेमन जूस डालना और ठंडा ठंडा पानी डाल के इसको ग्राइंड कर लेना है, और ये दिखने में बिल्कुल गन्ने का जूस लग रहा है ना, और टेस्ट में भी बिल्कुल वैसा ही। मैं अपने पूरी जिंदगी में पहली बार ट्राई करने वाली हूँ ये बोबा टी। अब इसे विदेशी लोग तो बड़े ही चाव से पीते हैं लेकिन हम देसी लोग को ये अच्छा लगता है कि नहीं, आइए देखते हैं। हमारे चैनल पे चल रहा है समर ड्रिंक चैलेंज जिसका डे 6 होने वाला है ये, और बोबा बनाने में ना बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, लेकिन मैंने इसको रिप्लेस किया है साबूदाना से। साबूदाना को मैंने बॉइल कर लिया है, एगड़ी के साथ पका दिया है जिससे अच्छा स्वीटनेस आया, और मैंने एक अच्छा सा ग्लास लिया उसमें चॉकलेट सिरप को लगाया और ये बोबा हमने डाला है। फिर हमने चाय भी बना लिया था उसको डाला, फिर खूब सारी आइस डाली और उसको मिक्स करके हमने ट्राई किया, तो ये टेस्ट वाइज अच्छा लग रहा था लेकिन चाय को बीट नहीं कर सकता। गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है कि पंखे ने भी जवाब दे दिया है। तो कुछ ऐसा होता है एक दिन अचानक से हमारे घर की बिजली ही गुल हो जाती है। अब गर्मी इतनी ज्यादा लग रही थी और मम्मी अब सर के ऊपर बर्फ लेके घूम रही है, लेकिन उन्हें गर्मी इतनी ज्यादा लग रही थी फिर भी उन्होंने चाय बनाकर पी। मतलब पसीने से लथपथ
हैं सभी लोग और उनको चाय पीनी है इतनी गर्मी में, ये सोचने वाली बात नहीं है। तो कुछ ऐसा होता है कि 2-3 घंटे तक लाइन मुश्किल से आ जाती है कोशिश करने के बाद। मैंने मम्मी से कहा कि इसी खुशी में आप क्यों ना चाय बना के पी लो, तो मम्मी कहती है कि आइडिया बुरा नहीं है। मम्मी ना कभी कभी ऐसी सब्जियां बनाती है कि उसे देख के ही खाने का मन नहीं होता है। जैसे कि आज मम्मी ने बनाया था तरोई की सब्जी और वो दिखने में अच्छी नहीं थी, पता नहीं खाने में कैसी होगी। अब ऐसा नहीं है कि मैं ये सब सब्जियां नहीं खाती हूँ, हमेशा खाती हूँ, लेकिन आज मेरे को खाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी मुझे खाना पड़ा क्योंकि मम्मी की डांट पड़ गई कि खाती है कि नहीं चुपचाप, फिर मैंने खा लिया। क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है? क्या मम्मी कभी कभी ऐसी सब्जियां बना देती है कि हमें बिल्कुल भी खाने का मन नहीं होता है लेकिन फिर भी खाना पड़ता है? चलो मैं आपको एक टास्क देती हूँ कि आपको क्या करना है कि कमेंट में ऐसे 5 सब्जियों के नाम बताने हैं जिसने उसके नाम कभी सुने ही ना हो। तो आज कुछ ऐसा हुआ जो कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो मैं हमेशा सोचती थी ना कि मैं बाहर निकलूं और मुझे 4-5 लोग बड़े आराम से पहचान लें और फिर मुझे भी लगना चाहिए कि मैं थोड़ी बहुत फेमस हूँ। तो कुछ ऐसा ही हुआ आज मेरे साथ। मैं गई हुई थी मार्केट मस्क मेलन को लेने, तो वहां मैं जब खरीद रही थी तो वही मेरे पास आती है छोटी सी बच्ची, उसके साथ उसकी मम्मी भी होती है। तो वो बच्ची मेरे पास आगे बोलती है, आप भूखी दुनिया हो ना, आपको मैंने देखा है यूट्यूब पे। और उस टाइम मैं इतनी ज्यादा खुश हो गई कि यार कोई तो पहचान रहा है हमें। उसके बाद मम्मी भी बोलने लगी कि ये आपकी वीडियो तो देखती है और हमें भी दिखाती है और फिर आपकी कहानी ना बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, आंटी मुझसे कह रही थी। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हो रही थी, मेरे मन में तो लड्डू फूट रहे थे। और उस बच्ची का नाम प्रिया था, उन्होंने थोड़ी बहुत फोटो खींची और वो घर चली गई।